जनपद संभल के चंदौसी में राज्य मंत्री और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनसंघ के संस्थापक के जन्मदिन के अवसर पर माल्यार्पण किया। जनपद संभल के चंदौसी में स्टेशन के पास स्थित मुखर्जी चौक पर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा गुलाब देवी के नेतृत्व में पहुंची और जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष ओमवीर सिंह, खडाक वंशी अंकित जैन सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष ओमवीर सिंह ने कहा कि आज हम लोगों ने जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुखर्जी ने कहा था कि एक देश में दो विधान और दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगी। उनके इस सपने को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाकर पूरा करने का काम किया है। क्या प्रोग्राम किया है आज आप लोगों ने? हमारे जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है, इसके उपलक्ष्य में हम लोग ने टोटल का पालन करना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे जनसंघ के संस्थापक हैं। उन्होंने कहा था कि एक देश में दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे, उसको साकार करने को उनके सपने को साकार करने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और धारा 370 रुपये हटाकर कश्मीर आज हमारा है।